एक नंबर है मेरे ख्याल में। आलिया भट्ट जी जो पिक्चर मतलब उसने ये किरदार निभाया गंगूबाई द माफिया क्वीन, तो पहले तो यही बोलूँगा मैं कि दिस मूवी जो पिक्चर जो बनाई है उन्होंने एक नॉवेल के ऊपर, तो माफिया क्वींस ऑफ मुंबई, तो दिस नॉवेल वॉज एक्चुअली रिटन बाय जेन बॉर्जेस। जेन बॉर्जेस है, शी इज़ द एडिटर इन चीफ ऑफ संडे मिड डे न्यूज़पेपर, तो उनका नाम भी है टाइटल में। तो जैसे ही पिक्चर शुरू होती है तो शी हैज़ बीन गिवन ड्यूली द क्रेडिट। तो मैं इतना ही बोलूँगा कि ये स्टोरी इतनी अच्छी लगी तो इसी वजह से एक पिक्चर बनाया। तो संजय लीला बंसाली साहब एज यू नो ही मेक्स क्लासिक मूवीज सच एज देवदास एंड सो ऑन एंड इवन जो रामलीला सर फैमिली के साथ देख सकते हैं ना। ये फैमिली के साथ मैं बोलूंगा नहीं, रेकमेंड नहीं करूंगा, बिकॉज जो सब्जेक्ट जो बोलते हैं प्रोस्टिट्यूशन पे ऊपर एज अ बिजनेस, तो बोलते हैं जो शरीर का धंधा है जो है, तो मेरे ख्याल में वी कुड नॉट टेल आवर चिल्ड्रन टू कम एंड वॉच दिस मूवी। आई वुड नॉट सजेस्ट, बट ऑफ कोर्स इट इज़ अप टू एवरी इंडिविजुअल। आई एम नॉट ट्राइंग टू पुट एनीबडी कि भाई चलो बच्चे लोग पिक्चर देखेंगे, बट येस आज के बच्चे लोग थोड़ा स्मार्ट हो चुके हैं, दे नो वॉट इज़ गोइंग ऑन इन दिस वर्ल्ड। तो नहीं बोलूँगा, येस इट इज़ अ लाइकेबल मूवी बाय द यूथ एंड द एडल्ट्स, आई वुड से एडल्ट्स, यस मतलब 18 प्लस और 21 प्लस। और द डायरेक्शन इज़ फैंटास्टिक, संजय लीला बंसाली, आई विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू फॉर मेकिंग सच अ गुड मूवी। एंड आज उनका बर्थडे है बाय द वे, तो अगर ये देखते होंगे ये मेरा इंटरव्यू, तो मेरी विशेज उनके लिए ज़रूर रहेगी। एंड आई थिंक आलिया जी ने जो परफॉर्मेंस दी है काम अच्छा करा, हाँ इतना बढ़िया, जो डोलीडा सॉन्ग इट इज बिकम सो पॉपुलर, हर लड़की खाली डोलीडा पे टिकटॉक की वीडियो बना रही है, सॉन्ग भी इसमें मस्त है सर, और सॉन्ग्स जो है इट इज सो ब्यूटीफुली पिक्चराइज, यू नो, तो ऐसे लगता है कि भाई हम लोग को एक फैंटेसी वर्ल्ड में जा चुके हैं। और जो उन्होंने देखो पास्ट दिखाया है 70s 80s 90s में जो होता था वो, तो वो दिखाया, मतलब इट इज टू ब्रिंग दिस टाइप ऑफ मूवी इन 2022 इट इज़ नॉट ईजी। तो लोग बोलते हैं कि भाई बहुत मेहनत की है संजय लीला बंसाली साहब ने, और इसमें अजय देवगन का भी बहुत, अजय देवगन सर का पूरा लिमिटेड काम है इसमें, बट ऑफकोर्स उसकी एंट्री जो दिखाते हैं वो समथिंग वेरी गुड। और इट इज़ एन ऑल इन ऑल आलिया भट्ट मूवी, तो ये पिक्चर बोलते हैं ना इसके ऊपर ही जा रही है, क्योंकि जितने भी पोस्टर्स और प्रमोशंस हैं आलिया भट्ट के ऊपर है, तो शी हैज़ डेफिनेटली स्टोलन द शो। और मेरे ख्याल में अभी जो ये ओमिक्रॉन थर्ड वेव जा चुका है ऑलमोस्ट हमारे यहाँ से, तो मैं यही बोलूँगा कि बिकॉज एक सिग्नल दिखाते कि भाई प्लीज़ आइए पिक्चर देखिए और डोंट बी अफ्रेड, ऑफकोर्स सेफ्टी वेज वाइज आप अपना मास्क ज़रूर पहनिए, सैनिटाइज करिए और इंजॉय दिस मूवी, यस। और मैं ये मूवी को 5.5 दूंगा, और बॉलीवुड जोस को विश यू ऑल द बेस्ट एंड ऑल द सक्सेस सर, एंड आई होप दैट यू गेट एटलीस्ट 10 लाख सब्सक्राइबर्स बाय नेक्स्ट वीक। तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। पोस्टर दिखा दीजिए सर एक बार, हाँ एक बार पोस्टर दिखा दीजिए। तो ये कब लोड करेंगे आप लोग? आज 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 अच्छा आज ही करेंगे। तो ये मैंने पोस्टर कार्ड बनाया था फॉर द मूवी जस्ट टू सी, उसके बहुत बड़े फैन है सर। आई लाइक द मूवी सो मच, बिकॉज मैं जब भी छोटा बच्चा था तो आई टू ऑलवेज वंडर ये फिल्मी पोस्टर मुझे कब मिलेंगे और कैसे मिलेंगे, तो आजकल इंटरनेट का ज़माना है, डाउनलोड कर दीजिए और बना दीजिए, बट दिस इज़ फॉर माई कलेक्शन, आई वुड लाइक टू कीप दिस इन अ नाइस एल्बम, एंड ये याद रहेगा ज़रूर कि भाई ऐसी पिक्चर मैंने सर इसके 2022 में जो रोल दिया सही जम रहा नहीं, हाँ बिल्कुल, जो उसका काम जो जिस तरीके से उसने किरदार निभाया, शी हैज डन फैंटास्टिक, उससे जो उसने ट्रांसफॉर्मेशन किया अपने आप को, अपने जो जो एक्टिंग, हाँ इट इज समथिंग टोटली बोलते हॉलीवुड स्टाइल, मतलब हॉलीवुड भी फीका रह जाएगा आलिया भट्ट जी के सामने। मेरे ख्याल में दिस लेडी शी विल डेफिनेटली विन अ ह्यूज बोलते ना अवार्ड्स, एक नहीं कम से कम 10-12 अवार्ड्स तो जरूर मिलेंगे इनको। और मैं प्रार्थना करूंगा ईश्वर से, भगवान से, कि भाई इसको ये ऑस्कर अवार्ड जरूर मिले। मिलेगा सर, हाँ मिलेगा सर, थैंक यू, थैंक यू, मेरी ये दुआएं हैं, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।